गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेएच के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जेएच वास्तव में टीपीएम का फर्स्ट पिलर है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और टीपीएम का बेस फाइएस है। फाइएस और जेएच ऑपरेशन पीपल का सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग टूल्स है। ये दोनों को आप जितना अच्छा रखेंगे, आपका ब्रेकडाउन उतना कम होगा, प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी और कस्टमर डिलाइट उतना अच्छा होगा। तो हम लोग जेएच स्टार्ट करते हैं। जिस जेएच में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो बातचीत करेंगे वो क्लीनिंग। क्लीनिंग कहने का तात्पर्य, जो आप जब भी किसी भी एमएची को आप उठाते हैं या लाते हैं, तो सबसे पहले देखिए अपना जो आपका एमएची है, गाड़ी है, उसका क्लीनिंग कैसे करेंगे। इसका प्रत्येक चीज़ को आप क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए। उससे पता चलता है कि आपका गाड़ी कहीं पर स्क्रैच तो नहीं आया है, कहीं कुछ ब्रेकेज तो नहीं आया है। तो पहला है क्लीनिंग। दूसरा है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या है? जहाँ भी आपका आयल वगैरह है, अब देखिए यहाँ से आयल, इसमें हम लोग इंजन आयल डालते हैं, और इससे अगर लीकेज हो रहा है, इमीडिएट अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बताइए, क्योंकि ये लीकेज होने के बाद ये आयल पूरा गिर जाएगा और इससे का परिणाम यह होगा जो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, इमीडिएट छोटा ब्रेकडाउन हो, इमीडिएट मेंटेनेंस को बताइए। तीसरा है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है? अब जैसे ये मेरी गाड़ी है, अब हम इसको देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। अच्छा है, मीटर सही है, चार्जिंग सही है, ब्रेक सही है, लाइट सही है, दोनों लाइट, बैक लाइट अगर सही है देन गुड। उसके बाद चौथा जो आता है टाइटनिंग। जैसे ही हम काम कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में आपको आपके एमएची या व्हीकल में कोई नट छोटा मोटा जो आराम से आप उसको टाइट कर सकते हैं, वो उसको आप टाइट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर ये है, इसको टाइट कर दिए। लेकिन ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आप उसको टच मत कीजिए। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कभी भी आप नहीं करें, क्योंकि जेएच के फर्स्ट फेज में एडजस्टमेंट को हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ इसके लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो अभी हम लोग एडजस्टमेंट को नहीं रखते हैं। क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और टाइटनिंग, यही चार चीज़ पे काम करेंगे। धन्यवाद।